प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने इंदौर दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत वरिष्ठ बीजेपी नेता मधु वर्मा के घर से की, जहां प्रभारी मंत्री ने ब्रेकफास्ट के साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ सियासी गपशप और राव विधानसभा को लेकर खास रणनीति भी तैयार की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इंदौर दौरे का दूसरा दिन मधु वर्मा के घर ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचे प्रभारी मंत्री। ब्रेकफास्ट के साथ ही नेताओं के बीच हुई सियासी गपशप के साथ ही राव के लिए बनी खास रणनीति। अपने दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष और कद्दावर बीजेपी नेता मधु वर्मा के घर पहुंचे, जहां प्रभारी मंत्री के साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, संगठन मंत्री जयपाल सिंह चावड़ा, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर, पूर्व MIC सदस्य बलराम वर्मा, वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे और उमेश शर्मा नजर आ रहे थे। वहीं मधु वर्मा के घर हुए सियासी ब्रेकफास्ट के दौरान प्रभारी मंत्री ने राव विधानसभा को लेकर भी खास रणनीति तैयार की है, जहां मधु वर्मा और जीतू जिराती दोनों ही इस रणनीति को तैयार करने में उनकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं मधु वर्मा के घर हुए ब्रेकफास्ट के बाद बाहर आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। हमारे साथी हैं, विचारों का आदान प्रदान किया है, चर्चा कोई आज 7 तारीख है, प्रधानमंत्री जी का बड़ा कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है आज, और गरीब की थाली ना रहे खाली ये सोच। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मधु वर्मा के घर हुए ब्रेकफास्ट में नेताओं के साथ सियासी गपशप तो की, लेकिन साथ ही साथ राव विधानसभा को लेकर खास रणनीति भी तैयार कर डाली, जिसका असर आने वाले दिनों में जरूर दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट MP News इंदौर।